मोदी जी की दूरदर्शिता। बीजेपी और समाजवादी पार्टी यूपी की दो सबसे बड़ी पार्टियां, दोनों ने जनसत्ता लोकदल के संस्थापक राजा भैया से मुलाकात की। हालांकि उनके पास बस दो विधायक हैं, लेकिन क्यों? बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन अपने आठवें उम्मीदवार संजय सेठ को उतार दिया। 10 सीटों के लिए 11 दावेदार हो गए। बीजेपी के अपने 252 विधायक हैं, एनडीए के 34 और विधायक मिलाकर 286 विधायक हो गए, लेकिन बीजेपी को चाहिए 296 विधायक, यानी आठवें उम्मीदवार के लिए 10 वोट कम। जबकि सपा को अपने 3 उम्मीदवारों को राज्यसभा में भेजने के लिए 111 वोट चाहिए। 2 विधायक जेल में हैं, उसके पास गठजोड़ सहित 108 विधायक बचते हैं, यानी 3 वोटों की कमी है। तो बीजेपी को 10 और वोट चाहिए। सपा को डर है कि बीजेपी क्रॉस वोटिंग करा सकती है। हर राज्यसभा उम्मीदवार को 37 वोट चाहिए। तो जब हर वोट अहमियत रखता है तो दोनों पार्टियां राजा भैया से मिलने पहुंच गई। आखिर उनके पास 2 वोट हैं। पहले वहां सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पहुंचे, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जेपीएस राठौर गए। दोनों बैठकें राजा भैया के घर पर हुई। भारतीय जनता पार्टी के पास 8वां प्रत्याशी जीतने भर के हमारे पास संख्या बल है। रही बात राजा भैया की, तो राजा भैया एक जनसत्ता दल के नाम से उनकी पार्टी है, उनके पास 2 विधायक हैं। समय समय पर देखा गया वो भारतीय जनता पार्टी का सदन के अंदर समर्थन करते रहते हैं, माननीय हमारी नीतियों का भी समर्थन करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से लोग अप्रोच करते हैं वोट के लिए, तो उनसे भी अप्रोच किए होंगे और वो हमेशा स्वविवेक से तय करते हैं कि हमको कहाँ जाना देश और समाज के लिए अच्छा रहेगा। हमें चाहिए 3, उनको चाहिए 8-9। जब वो कठिन समय में थे उनकी किसने मदद की थी? मैं समझता हूँ इतनी नैतिकता तो उनमें होगी, और जो लोग हमारी पार्टी का, हमारे संवैधानिक मूल्यों का, समता, समाजवाद, मानवता के विचारधारा से प्रभावित होकर के अगर हमारी मदद करना चाह रहे हैं तो उनका स्वागत। 2024 के लिए हर कोई गठबंधन बना रहा है। इसी सभा में होने वाली वोटिंग बताएगी कि 2024 के चुनाव में राजा भैया किसी गठबंधन के साथ जुड़ेंगे या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन विनीत कुमार वर्मा के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी।